सज्जना फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। हमारे कुछ फ्रेंड्स के कमेंट्स आए हैं कि वो काफी परेशान हैं, कि उनकी एज भी ज्यादा नहीं है और उनके काफी रिंकल्स हो गए हैं फेस पर, या फाइन लाइन दिखाई देने लगे हैं, डार्क सर्कल दिखाई देने लगे हैं और रिंकल्स के कारण सारा फेस गंदा नजर आने लगा है। तो फ्रेंड्स, ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार क्या होता है कि एज हमारी होती नहीं है, लेकिन उसके बाद में भी ये हमको जब सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो देखिए, हम कॉस्मेटिक जो यूज कर रहे हैं वो सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हम अपने फेस की जो केयर कर रहे हैं वो गलत टाइप से कर रहे हैं। तो हम इन रिंकल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक घरेलू उपचार बताने आपको जा रहे हैं, वो आप ध्यान से देखिएगा। टिल टू एंड वीडियो वॉच जरूर करिए, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, हम कायाकल्प का थर्मोपैक आज अपने ऊपर लगाएंगे। हमारे रिंकल वाली प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको करके बताएंगे। और ये इसका करने का तरीका आप प्रॉपर देखिएगा। ये रिंकल्स को रिमूव करेगा, फाइन लाइन को रिमूव करेगा और हमारी जो स्किन है, स्किन टाइटनिंग का काम जो एक मास्क को करना चाहिए वो करेगा। ये थर्मोपैक देखिए, 30-35 से कम बालों को नहीं करना चाहिए, और ये प्रॉब्लम 30 के बाद ही जब होती है तो फिर बहुत जल्दी इसका मतलब हो गई। आफ्टर 50 इयर्स बाद अगर रिंकल वाली प्रॉब्लम होती है तो वो फिर भी मानने वाली बात हो जाती है। तो आज हम ये स्किन टाइटनिंग का जो ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं, होममेड, आप देखिए होम घर बैठे आप किस तरह से करेंगे वो बताते हैं। ये थर्मो मास्क है, कायाकल्प का थर्मो मास्क है, काफी अच्छा है। और ये मास्क लगाने का तरीका आप देखिए, इसमें काफी फुर्ती दिखानी पड़ती है। अगर आप घर पर करते हैं तो कोई बात नहीं है, और मेरे जो बिगनर्स स्टूडेंट्स हैं जो न्यू पार्लर खोलने जा रहे हैं या देखिए खोल चुके हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम थोड़ी आई कि मैम किस तरह से हम थर्मोपैक को यूज करें। तो हम दोनों तरह से बताते हैं, आप घर बैठे भी अपने रिंकल्स को स्किन को और टाइट कर सकते हैं, रिंकल रिमूव कर सकते हैं और फाइन लाइन को रिमूव कर सकते हैं। और जैसे कि स्किन टाइट होगी तो नेचुरल वे में हमारी स्किन ग्लो करेगी और हमारा फेस शाइन करेगा। इसके अलावा देखिए, स्किन जब टाइट दिखाई देती है तो काफी अच्छी लगती है, और लूज स्किन जब ढल जाती है तो वो नीचे की साइड में ढली हुई दिखाई देती है, तो हमारा फेस का जो नक्शा है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम ध्यान रखें कि इसको प्रॉब्लम को ज्यादा ना बढ़ने दें, उससे पहले ही हम इसका ट्रीटमेंट करें, जिससे कि ये रिंकल्स वाली प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ते बढ़ते ऐसा ना हो जाए कि हमारा फेस एकदम भद्दा हो जाए और हमको खुद को शर्म आने लगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, छोटी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये देखिए, कायाकल्प का ये थर्मो मास्क है जो हम बता रहे हैं आपको। ये लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं, काया थर्मो मास्क, और ये 500 ग्राम का है और 445 का ये इसके MRP है। आप इसको लेंगे बहुत अच्छा है, काफी अच्छा है, कंपनी का ही आप यूज करिए। इसको करने का तरीका हम बताते हैं, क्योंकि लगाने के बाद में हम बोल नहीं पाएंगे। और ये देखिए, हमने यहाँ हम फेस पर किस तरह से अप्लाई करते हैं वो आपको दिखाएंगे। ये हमने फेस शीट ली है, एक फेस के आकार का हमने इस तरह से बनाया है। तो ये इससे हम फेस पर लगाकर फिर अच्छे से बताएंगे आपको कि किस तरह से लगाना है फेस के अकॉर्डिंग। अगर आपके पास ये फेस शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप दूसरी तरह से भी लगा सकते हैं, या टिश्यू पेपर आपके पास है तो टिश्यू पेपर को ज्वाइंट करके भी आप इस तरह से फेस का नक्शा बना सकते हैं और अपने फेस पर इस तरह से अप्लाई करके लगाकर फिर आप फेस मास्क जो है वो थर्मोपैक है उसको अप्लाई करेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि किस तरह से हमको तैयार करना है। इसको लगाने के बाद में प्लीज हम बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको लगाने के बाद बोलना नहीं चाहिए। थर्मोपैक के जो फायदे हैं वो हमने बता दिए, स्किन टाइटनिंग और रिंकल्स को रिमूव करने का काम होगा। और ये देखिए, और अब ये थर्मोपैक है और इस तरह से इसमें ये देखिए इस तरह से पैक है। और इसको तैयार करने का तरीका देखिए, एक फेस के अकॉर्डिंग हम लाएंगे। इसको तैयार करने के बाद में हम हैंड टू हैंड लगाएंगे, इसको रखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी।
ये देखिए काया थर्मो मास्क है और इसको हम एक फेस के अकॉर्डिंग लेंगे और इसको तैयार करने के बाद तुरंत ही हमको लगाना होगा। इसको तैयार करके रखना नहीं होता है क्योंकि ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। और ये देखिए एक फेस के अकॉर्डिंग हमने फेस के अकॉर्डिंग हम इसको लेंगे। हमने ये लिया है 3 स्पून लिया है और इसको हम तैयार इस तरह से करेंगे। एक फ्लैट ब्रश लेंगे, ये हमने 3 स्पून इसमें पाउडर लिया है थर्मोपैक और रोज वाटर हमने मिक्स किया है। मिक्स इसलिए किया है रोज वाटर जिससे कि मॉइस्चर की कमी से भी रिंकल्स होते हैं, तो स्किन को एक सॉफ्ट बनाने के लिए हमने रोज वाटर मिक्स किया है इसमें। और ये अब हम मिनरल वाटर लेंगे, नॉर्मल वाटर लेंगे, ना बहुत ठंडा लेंगे ना गर्म लेंगे, नॉर्मल वाटर होना चाहिए और मिनरल होना चाहिए। ये देखिए इसको हमने इसमें डाला है और डालने के बाद में अब हम ये हमने ब्रश लिया है इसको तैयार कर देंगे। तैयार करने के बाद तुरंत ही हमको इसको लगाना होगा। लगाने के बाद में बोलना नहीं चाहिए, बोलने से एक स्किन टाइटनिंग में गलत प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसको बिना बोले ही लगाना होगा। और किस तरह से लगाते हैं देखिए आप, ये हमने बताया आपको कि इस तरह से फेस शीट है, ये फेस शीट को हम फेस पर लगाएंगे। सबसे पहले हम फेस क्लीन करेंगे, फेस क्लीन हमारा किया हुआ है आप देख रहे हैं। हल्की सी हम क्रीम लगाएंगे जिससे कि ये शीट हमारे फेस पर चिपक जाए। ये देखिए लगाने का तरीका आप देखिए, हम क्रीम से जितनी देर हमको मसाज देनी है फेस पर उतनी देर हम देंगे। इस तरह से ये देखिए, ये हमने मसाज दी फेस पर और इस शीट को देखिए हम फेस पर इस तरह से लेंगे। लगाने के बाद में देखिए हम सूखने तक का वेट करेंगे। मास्क लगाने के बाद में हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए अब आपको लगाकर बताते हैं कि किस तरह से हमको लगाना चाहिए। कायाकल्प का थर्मो हर्ब मास्क बहुत ही अच्छा है और ये स्किन के लिए काफी रिंकल्स के लिए या फाइन लाइन के लिए रिमूवल में काफी सहायक है। और ये लगाने का तरीका देखिए, हमने डायरेक्शन का हमको ध्यान पूरा देना है। नीचे से ऊपर की साइड में हम लगाएंगे, ऊपर से नीचे की साइड नहीं लगाएंगे, ये हमको ध्यान देना है। और ये देखिए हमने रोज़ वाटर और मिनरल वाटर को मिक्स करके इसको तैयार किया है घोल को और तुरंत ही हम लगाने का काम कर रहे हैं। और लगाते समय देखिए डायरेक्शन हमको नीचे से ऊपर की तरफ ले जाने हैं। ये देखिए बहुत ही जल्दी ये सारे फेस पर हमने इस तरह से लगाया। और अब हम सूखने तक का इसका वेट करेंगे क्योंकि मास्क पूरा सूखेगा तभी हम इसको हटाएंगे। वैसे आधे घंटे में ये सूख जाता है गर्मी के टाइम में, लेकिन सर्दी का मौसम है या बरसात का मौसम है तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन हमको वेट करना होगा। पूरा सूखने के बाद ही हम इसको हटाएंगे। ये थर्मो हर्ब जो मास्क है बहुत ही अच्छा है, ये रिंकल रिमूवल तो है ही, साथ में फेस ग्लोइंग का भी है, एजिंग वाली चीज़ जो दिखाई देती है उसको भी
हटाने का काम ये मास्क के जरिए हम कर सकते हैं, घर बैठे आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको 40 मिनट के करीब हमने रखा है, और 40 मिनट के बाद में अब पहले कॉर्नर के साइड से हम हटाएंगे, जिससे कि स्किन से अलग हो जाएगा कॉर्नर हटाते हुए, तो इजीली फिर ये मास्क हम उतार सकेंगे। इसका एक्चुअल जो तरीका है यही है कि हम पहले कॉर्नर हटाएं, और ये देखिए बहुत ही आसानी से ये मास्क फेस से अलग हो गया। अब आप देखिए हम इस फेस को वॉश करेंगे। ये मास्क देखिए आप, इस तरह से हमने आईज के पोर्शन को छोड़ा है, लिप्स के पोर्शन को छोड़ा है, और फिर इस मास्क को लगाया है। तो फ्रेंड्स, इस मास्क को यूज़ करने का एज का हमको पूरा ध्यान देना होगा। अगर 35-40 से एज कम है, 35 से कम है, तो फिर हम इस थर्मो हर्ब को यूज़ नहीं करेंगे। अब फेस वॉश करने का तरीका देखिए, हमने अभी थोड़ा सा ठंडा पानी ले लिया है कि मौसम के अनुसार, और वॉश करने के बाद में फिर हम मॉइस्चराइज़र फेस पर लगाएंगे। आप देखिए हमारे रिंकल नहीं थे, फिर भी आपको बताने के लिए हमने ये फेस मास्क थर्मोहर लगाया है। ये देखिए फेस मास्क हटाने के बाद में, फेस वॉश करने के बाद में फेस आपको चेंज नजर आ रहा होगा, और इससे रिंकल और फाइन लाइन जो रिमूव होती है वो तो होता ही है, लेकिन स्किन एकदम ग्लो करने लगती है इस काया के फेस मास्क से। और ये थर्मो पैक बहुत अच्छा है, थर्मो पैक के कारण स्किन टाइट होती है और स्किन हमारी ग्लो अपने आप करती है, रिंकल फाइन लाइन की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म होती है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि किस तरह से इस काया का अगर आप लेते हैं तो ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, इस थर्मो पैक को किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, जरूरी नहीं है आप काया का लें। हमने काया का लिया क्योंकि काया का बहुत अच्छा है, इसके रिजल्ट काफी अच्छे हैं, और आप देख रहे हैं कि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही सेंसिटिव स्किन के लिए भी ये काया का थर्मो पैक बहुत अच्छा है। इसको लगाने के बाद में देखिए बोलते नहीं है, इसलिए हमने बोला नहीं है, और रिमूव करने के बाद में, वॉश करने के बाद में फिर हम देखते हैं कि स्किन एकदम सेंसिटिव, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट और बहुत ही अच्छी हो गई है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इसका जो थर्मो पैक को उतारने का तरीका था, मास्क को उतारने का तरीका था, वो आपने देखा कि किस तरह से पहले हमने कॉर्नर हटाए और उसके बाद में फिर सारा मास्क हटाया, और आपने देखा कि रिजल्ट आपके सामने। फ्रेंड्स अगर आपको थोड़ा भी हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करना नहीं भूलिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।